हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनुज आर्ट कला। जैसे दोस्तों, हमें एक इस टाइप मस्जिद का लोगो काटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लोगो नहीं होता है तो हम इसे गूगल से डाउनलोड करके कटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया है, तो इसको आपको सीधा कटिंग करके दिखाएंगे। तो इसे यहाँ पे फ्लेक्सी में उठा के छोड़ोगे तो ये कटिंग नहीं हो रहा है। तो इसका ये एक कारण होता है दोस्तों कि जैसे हम यहाँ से फाइल को इसको डाउनलोड करेंगे, जब राइट क्लिक किया सेव एज करेंगे, तो यहाँ पे ये WEB फाइल है, पता नहीं कौन सी फाइल है। तो इससे हम कटिंग नहीं कर सकते हैं इसको। फिर अगर हमको यही कस्टमर अगर मांगता है, यही लोगो चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए जैसे एक दूसरा लोगो जो है, जो JPEG फॉर्मेट में डाउनलोड है ये वाला, अगर हम इसको उठा के फ्लेक्सी में डालेंगे तो शायद ये तो कटिंग हो जाएगा। देखो, JPEG में कोई इशू नहीं है। यहाँ से बिट मैप में जाकर विलेजर कर देंगे, यहाँ से हो गया, ठीक कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों, उसका हम क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? तो हमारे इसमें इनबिल्ट एक टूल्स रहता है विंडो में, स्निपिंग टूल्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च बार में, और चाहे तो SNI इतना लिखेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, SNI सबसे ऊपर आ गया। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जितना एरिया हमको चाहिए वो यहाँ से ऐसे करके कट कर लेंगे, ठीक। और फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कर देंगे। और अभी हम इसको डेस्कटॉप पे दे रहे हैं, तो एम नाम से, तो इसको यहाँ से सेव कर दे रहे हैं। तो ये हमारी फाइल अगर यहाँ से डाउनलोड करके करेंगे, जैसे करके हम दिखा दे रहे हैं आपको, डाउनलोड सेव एज यहाँ से करेंगे, ये डाउनलोड हो गया और इसे यहाँ से ये आ गया। उठा के डालेंगे फ्लेक्सी में, नहीं आएगा, लाइन जैसी बना देगा, ये नहीं आया, ठीक। हम डिलीट मारते हैं इसको, और जो स्निपिंग टूल की मदद से बनाया था वो अपने आप आ जाएगा। तो उसे बनाने के लिए जो हमने एम नाम से सेव किया था, वो ये रहा हमारा। इसे उठाया और यहाँ छोड़ दिया, तब भी आ गया। यहाँ से ओपन करके ले आए, डेस्कटॉप पे गए, तब भी आ गया। और यहाँ से बिटमैप करके ब्लेजर कर देंगे। दोस्तों, आज एक समस्या ये हमारे सामने आई थी, तो एक भाई का बार बार फोन आ रहा था, तब हमने ये आपको बताना उचित समझा, ठीक। और अगर आपके पास ये समस्या आ रही है तो आप कर सकते। दूसरा तरीका एक और होता है जो कीबोर्ड में होता है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन को दबाकर आप करोगे तो ये पूरा एरिया जो है आ जाता है। तो वो तरीका सही नहीं, फिर भी मैं आपको करके दिखा दूं। प्रिंट स्क्रीन मैंने कीबोर्ड से दबाया, और यहाँ से फिर भी हमें जाना इसी में पड़ेगा, पेंट में। पेंट में कंट्रोल वी करेंगे, ये आ गया। अब हमको चाहिए तो ये एरिया थोड़ी चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्रॉप कर लेना है इतना जितना हमको चाहिए, क्रॉप कर दिया। और यहाँ से फाइल सेव एस में जाके, और ये फाइल फॉर्मेट PNG है, तो यहाँ पे हम JPG फॉर्मेट में पिक्चर में MM नाम से सेव कर देंगे, तब भी आ जाएगा। ये दोनों तरीके होते हैं अगर फाइल इसमें फ्लेक्सी में ना खुले। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो तो हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और गूगल से डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है, तो वो फाइल के ऊपर निर्भर करता है। अगर फाइल सही है तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अन्यथा कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ये जो MM से सेव किया, देखो ये भी आ गया, ठीक। ये MM नाम से डाला था, और यहाँ से बिटमैप में जाकर ब्लेजर करते हैं, ये भी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा तरीका जो आप कर रहे थे, मतलब बहुत से लोग कह रहे थे कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा, ऐसे आएगा। ये लाइन लाइन आ रही है, पहले आता था तो सही इमेजेस होती थी उनमें आ जाता था। अब पता नहीं गूगल की कोई सेटिंग होगी या कुछ तो होगा जिससे ये खराब हो गया। मान लीजिए हम कोई ये इमेज देके देखते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस या कॉपी इमेज किया, यहाँ से जाके पेस्ट किया, यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें। तो वो ही दोनों तरीके ठीक है, आप चाहे इस वाले टूल से कटिंग करके ला सकते हैं उसमें सेव करके, या फिर वहां से कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाइए, इसमें पेस्ट किए, क्रॉप करके फिर लाइए और यहाँ पर सेव कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये छोटी सी जानकारी थी। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ, थोड़ा कुछ समस्याओं के कारण। अब कंटिन्यू आपको नई नई जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय